अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे मेंट्सवर्क के बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर, जहां पे हमने लेक्चर को वाइंड अप किया था। ये हम मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इस्मान रहीम रबी शराली सदी उससे लिए अमरी वाखले लुखना तो मिले सान ये फाकोली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रबी जिद निल्मा। देखिए, बात ये है कि हमने ये बात कही थी कि जो टॉप लेवल है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक अपेक्स कहते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लानिंग है उसको मैनेज करता है। स्ट्रेटेजिक एपेक्स का काम जो है वो हिकमत अमली बनाना है, जो सेवरल ऑफ ईयर्स के लिए होती है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है, और ये डिसाइड करते हैं हमें कौन से प्रोडक्ट बनाने और कहाँ पर सेल करने, मार्केट कौन सी में सेल करने। हमने ये कहा था कि आमतौर पे जो दूसरा कंपोनेंट है वो मेन कंपोनेंट ऑपरेशनल कोर है, जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उन्हें मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन चूंकि दोनों लेवल के दरमियान जनरली एक गैप होता है, तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए मिडल लाइन मैनेजमेंट काम करती है, जो ऊपर की स्ट्रेटेजी को नीचे तक कन्वे करती है और इसको जो है वो आसान करके समझाती है ऑपरेशनल कोर को, और ये नीचे का फीडबैक ऊपर प्रोवाइड करते हैं और ऊपर की स्ट्रेटेजी इसको नीचे इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद जो एक सपोर्ट स्टाफ है, उसका काम ये है कि वो आपके उसी एरिया को, उस बिजनेस एरिया को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन रखें, मेंटेन रखें, रिपेयर वर्क करते रहें, ताकि ये काम जो है होता रहे। तो ये आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, आपका लोन मेंटेन करते हैं, आपकी फ्लोरिंग क्लीनिंग करते हैं, आपके ऑफिस की क्लीनिंग करते हैं, आपके कंप्यूटर्स को नीट एंड क्लीन रखते हैं, और उसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है आपका टेक्नो स्ट्रक्चर। टेक्नो स्ट्रक्चर का बुनियादी तौर पे काम ये होता है कि आपको जो टेक्निकल एडवाइस होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ये आईटी स्पेशलिस्ट हैं, ये कंसल्टेंट्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जो है डिजाइनर, डेकोरेटर्स, जो इनकी सर्विसेज होती है वो टेक्नो स्ट्रक्चर की तरफ से आती हैं। कल का हमारा जो काम था, जहाँ स्टूडेंट्स को मैंने छोड़ा था, वहां पर ये था कि हम इस एक एक स्ट्रक्चर को लेके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर था, जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी आपकी गली के कॉर्नर पर जो ग्रोसरी स्टोर है, उसकी मैंने एग्जांपल दी थी, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि एक एंटरप्रेन्योर है जो क्या करता है कि खुद ही मैनेजर है, खुद ही ऑनर है, इस लिहाज से वो डायरेक्टली अपने वर्कर्स को कंट्रोल करता है, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 10 से 15 एम्प्लॉयज होते हैं, इसको हम एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर कहते हैं या सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज होती है वो होता है आपका स्ट्रेटेजिक एपेक्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा काम जो करता है स्ट्रेटेजिक एपेक्स करता है, जहां मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ। दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये है मशीन ब्यूरोक्रेसी। मशीन ब्यूरोक्रेसी आमतौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है जहां पर हम कोई गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई एयरप्लेन बना रहे हैं, कोई एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं, कोई स्पेस रिसर्च, स्पेस वगैरह की कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं, वॉर वेपन्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो टेक्नो स्ट्रक्चर होता है, चूंकि वो हमें एडवाइजेस प्रोवाइड करता है, डिजाइनिंग प्रोवाइड करता है, प्लांट डिजाइन करके देता है, और वहां पे हम जो है वो काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये हमारी मशीन ब्यूरोक्रेसी, जहां पे इंडस्ट्रियल इंजीन। तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, यानी इस स्ट्रक्चर में तो आप समझते हैं कि टेक्नो स्ट्रक्चर मशीन ब्यूरोक्रेसी में, और जो आपका प्रूफ है, अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, इवन आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, सॉफ्टवेयर हाउस हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कोर सबसे ज्यादा अहम होता है, क्योंकि यहाँ हाईली स्किल्ड लोग जो होते हैं सर्विसेज प्रोवाइड, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं ऑपरेटिंग कोर यहाँ मेन काम करता है। इसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाता है। डिविजनल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आपने यकीनी तौर पे डिविजनल फॉर्म देखी होगी या डिविजनल स्ट्रक्चर आपने जरूर देखा होगा, जिसके अंदर आपने बाज मल्टीनेशनल को देखा होगा जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गुड्स जो है वो बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमजा, ये मेरी तरफ से नहीं होता, ये एक्चुअली इट्स कंट्रोल्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, तो वो कंट्रोल करते हैं इसको। तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। जनरली अनम्यूट जो करते हैं वही करते हैं, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होती है कि जब कोई एंटर होता है खुद ही म्यूट हो जाता है, सिर्फ वो उसको अनम्यूट करते हैं, इसको लेक्चर डिलीवरेंस देते हैं। इससे आपके सवाल पढ़ सकता हूँ और मैं पढ़ भी लेता हूँ, एक एक सवाल में पढ़ता हूँ खुद से,
ठीक है, तो मेरे पास नहीं है कंट्रोल इसका, जो है ICMAP के जो भी नेटवर्क मैंने, यार लास्ट सेशन में तो नहीं हुआ ऐसा, अगर अगर वो करते हैं तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, आई विल चेक इट, कि मैं इसको अनम्यूट करके देखता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, जरा मुझे मेरी बात मुकम्मल कर लेने दें। अच्छा बच्चों, अब जहां तक सवाल है आपकी डिवीजन स्ट्रक्चर का, तो डिवीजन स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, मैंने कल मिसाल दी थी कैटरपिलर की, मैंने मिसाल दी थी आपको जो है वो इसी तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की या ऐसी फॉर्म जो के डिविजन्स में काम करती हैं, नॉर्दर्न डिवीजन अलग है, ईस्टर्न डिवीजन अलग है, सर डिवीजन इस तरह बना लेते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के, हैवी मैकेनिकल प्रोडक्ट्स अलग बन रहे हैं, होम एक्सेसरीज अलग बन रही हैं, शूज अलग बन रहे हैं, जैसे कैटरपिलर में होता है। तो जो मेन काम होता है वो आपके बिजनेस लेवल पे होता है, यानी कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं होता। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो होता है वो मिडल लाइन मैनेजर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मिडल लाइन मैनेजर यानी डोमिनेट जो करता है मिडल लाइन करता है, उसकी वजह है कि मिडल में आ जाते हैं आपके बिजनेस मैनेजर्स, और ऊपर जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जैसे नॉर्दर्न डिवीजन जो है उसकी स्ट्रेटेजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, लेकिन बनाएंगे नॉर्दर्न, चूंकि वो जानते हैं अपने इलाके को। तो जो जियोग्राफिक डिवीजन है या प्रोडक्ट डिवीजन होते हैं वो आमतौर पर काम करते हैं आपके डिविजनलाइज स्ट्रक्चर के तहत। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है मिडल लाइन मैनेजर होते हैं, और जो एड हॉक क्रेसी आमतौर पे उन ऑर्गेनाइजेशन में होती है जहां टीम वर्क बहुत ज्यादा होता है, प्रोजेक्ट्स आते हैं टीम की शक्ल में, और वहां पे प्रोजेक्ट्स की शक्ल में हम इनको देखते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो सपोर्ट स्टाफ की होती है, चूंकि इन्हीं की मदद से हम जो अपना काम है उसे मुकम्मल करते हैं। अच्छा जी, तो यहां तक बच्चों हमने बात कर ली। अब यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से, यहां से शुरू करते हैं। ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रनिंग बाय इट्स ओन एज एन एंटरप्रेन्योर, तो इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो हावी होगा आपके ख्याल में? कोई मुझे जवाब दे, एक एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा कंपोनेंट हावी होगा? GC, इसको हम कह देंगे क्या? शाबाश, वी विल से दिस। मुझे आंसर जो दिया है रुतबा ने दिया है, मुदस्सिर ने दिया है, हाफिज शुएब ने दिया है, शाहब ने दिया है, और अनमता जैदी एंड देन मोहम्मद हसीब। तो जवाब जो इन्होंने दिया है मुझे, मैं आपके सामने रखता हूँ। बेसिकली स्टूडेंट ने ज्यादातर जवाब तो दिया, ये सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्रेटेजिक एपेक्स ज्यादा पावरफुल होती है। ए सॉफ्टवेयर फर्म जनरली रनिंग बाय द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वी कॉल्ड, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को हम क्या कह सकते हैं? तो जो टीम बेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं हम आमतौर पे यहाँ पे सपोज ये करते हैं कि यहाँ पर जो ज्यादा पावरफुल है वो एडहॉक क्रेसी होती है। एडहॉक के तौर पे आप इंजीनियर हायर करते हैं, वर्कर हायर करते हैं और उनके जिम्मे काम लगा देते हैं। तो शहाब का जवाब सही है, मुदस्सर का, ठीक है जी, कि वो इनके जिम्मे लगा दिया जाता है। इसी तरह एक कार मैन्युफैक्चरर लाइक जनरल मोटर हैव स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग, विच वन ऑफ द मोर डोमिनेटिंग कंपोनेंट, इसमें कौन सा कंपोनेंट डोमिनेटिंग होगा जब आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? तो कार मैन्युफैक्चरिंग में चूंकि प्रोसेस है, डिजाइन हुआ है, मशीन चलती है, एक डिजाइन होता है, तो यहाँ पे ज्यादातर जो है वो मैकेनिकल तरीका, ठीक है, खान 21, मुदस्सिर, उसामा रिजवान, हसन, उसामा बिन इमरान, रुतबा सगीर, हाफिज,
तो ये सारे कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जो चीज पावरफुल है वो है आपकी जो है, सॉरी मैंने इसे चेंज नहीं किया, इसे मशीन ब्यूरोक्रेसी सही है, आपका बी ऑप्शन सेट सही रहेगा, मैंने चेंज नहीं किया। तेजी से आगे चला जाता हूँ। ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रनिंग बाय इट्स एंटरप्रेन्योर, ये क्लियर हो गया, ये पहले ही आपने बता दिया, हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये गलती से लग गया निशान। मैं अगली प्रेजेंटेशन की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो आपके सामने मैं रखूंगा वो मैं यहां से शुरू करता हूं। जी हम यहां शुरू जनाब, ये टॉपिक बेसिकली इंटरप्राइज मैनेजमेंट का है, प्रोडक्शन ऑपरेशन टॉपिक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इससे पहले एक टॉपिक मैनेजमेंट थॉट्स पे बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं, हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से आपका प्रोडक्शन ऑपरेशन, रिसोर्स बेस्ड कंपटीशन क्या है, बात तो ये करते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है। वो ये है कि सबसे पहले तो आप जो है पिछला टॉपिक उसे थोड़ी देर के लिए स्किप करें, उस पर बात अभी ना करें, उसमें बाद में बात करते हैं, पहले जो चीज समझनी होती है पहले उसे समझा करें। तो जो चीज मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ना, पहले उस पर आप फोकस करें। अच्छा वो ना करें कि पिछला, वो कहते हैं कि पिछला दौड़ दे अगला, कहने का मतलब आप जो है वो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है पहले उसे समझे, फिर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन आपके जरूर जरूर आंसर करेंगे। लेकिन मैं वाइंड अप से पहले आपके सवाल जरूर लेता हूं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आपके सवाल मुझे लेने हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात ये कि प्रोडक्शन क्या है, में एक वैल्यू होती है। मैं एग्जाम्पल यूं दे सकता हूँ आपको कि वुड है, तो वुड में क्या है, एक वैल्यू है, लिहाजा वो अपनी जगह वर्थ रखती है, लकड़ी अपनी जगह वर्थ रखती है। लेकिन अगर उस लकड़ी की शेप को बदल दिया जाए तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि लकड़ी की शेप को बदल के हमने फर्नीचर बना दिया। अब लकड़ी से फर्नीचर बन गया तो ये क्या हो गया कि वो फर्नीचर लकड़ी से ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। तो किसी चीज पर ऐसी एफर्ट की जाए कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, किसी चीज पर ऐसी एफर्ट की जाए कि उससे वैल्यू बढ़ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन जो है एक ऐसा अमल है, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट्स एंड इमटेरियल इनपुट्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन, के कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो हमारे कंजम्पशन के काम आ जाए। लेकिन इस पे जो आप एफर्ट करते हैं वो इस सेंस में है कि लकड़ी जंगल में थी, बड़ी वैल्यू थी उसकी वहां पे भी, जाहिर है यूज तो कोई ना कोई कर रही थी, वहां के जो भी स्पीशीज थे उसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप उसे लो उठा के जंगल से शहर में ले आए, आपने उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई ना, तो ट्रांसपोर्ट से भी वैल्यू बढ़ती है। आप किसी चीज की प्लेस बदल दें उससे वैल्यू बढ़ जाती है। अगर लकड़ी का फर्नीचर बना दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, ये भी क्या है, प्रोडक्शन है। अच्छा लकड़ी स्टोर में पड़ी है किसी कंपनी के, फर्नीचर पड़ा है किसी के घर पहुंचा दिया, यूज में आ गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ये हो गया, आप शेप बदल दो, आप प्लेस बदल दो, आप ओनरशिप बदल दो, तीनों तरीकों से प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ती है और तीनों को प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया जाता है। इसका मतलब है अगर एक बंदा जो है वो गांव में रहता है, उसकी वर्थ वहां कम है, आप उसको उठा के शहर में ले आते हो, पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये भी प्रोडक्शन है। शेप बदल देते हो, प्लेस बदल देते हो मटेरियल की, उससे भी वैल्यू बढ़ जाती है। किताब है बुक डिपो के पास पड़ी है, बुक शॉप पे पड़ी है, उसकी वो वर्थ नहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट के पास आती है, वो उसको यूज करता है, उससे नॉलेज इनहांस करता है, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, तो ओनरशिप से भी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जनरली अगर हम देखते हैं अपने गूगल पे या विकीपीडिया पे, तो
तो वो कहते हैं कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम मटेरियल को एज अ इनपुट यूज करते हैं, बहुत सारी इमटेरियल चीजें भी यूज करते हैं, और उसके नतीजे में हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो कि कंजम्पशन के काबिल हो। तो आप ये कहते हैं कि इससे गुड्स बन जाती हैं। तो जो सिंपल बात है कि इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट, इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ वैल्यू, ए गुड आर सर्विस विच हैज वैल्यू एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी हम इसके अंदर कोई यूटिलिटी पुट अप कर देते हैं जिसके नतीजे में हम इसको प्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं या प्रोडक्शन का अमल कहते हैं। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ द मटीरियल है, कन्वर्जन ऑफ द शेप ऑफ द मटीरियल है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेकिंग ऑफ अ मटीरियल है जिससे किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है और वो हमारी किसी नीड को, हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करती है, जिसको हम कंजम्पशन कहते हैं। अब जहां तक सवाल है द एक्शन ऑफ मेकिंग आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कंपोनेंट आर रॉ मटेरियल आर प्रोसेस ऑफ बीइंग सो मैन्युफैक्चर्ड वी कॉल्ड इट, कि हम कोई ऐसा अमल करते हैं जिससे हम कंपोनेंट बनाते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और उससे कोई गुड बना देते हैं, तो हम इसको प्रोडक्शन कहते हैं। आसान अल्फाज में देखिए कि हम मेटल को, रबड़ को, प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं और उससे एक कार बना देते हैं। मेटल की वैल्यू थी, रबड़ की वैल्यू थी, लेकिन हमने उन्हें इकट्ठा किया और उसको गाड़ी की शक्ल दे दी। तो एक गाड़ी 15 से 20 साल तक सर्विस देगी। तो हमने उस स्टील को, उस मेटल को, उसकी वर्थ को, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट लोगों को जाएगा और उनकी ट्रांसपोर्ट की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो एक चीज हम इसको, जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, हमारा प्रोडक्शन। यहाँ पे मैं एक मिनट, मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि मेरी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन है, मेरी तरफ से डिस्टॉर्शन के चांसेस काफी कम है, चूंकि मेरी जो साइड डिवाइस है उसके ऊपर मेरी आवाज क्लियर जा रही है और माइक भी मैं अच्छे वाला लगाया हुआ। तो अब क्लियर है उसामा बिन इमरान? अब ठीक है ना? पहले आ रही हो, शायद किसी वक्त आ जाती है। असल में मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आज तो मेरे पास फाइबर वाला कनेक्शन नहीं, मैं अल्टरनेट कनेक्शन यूज कर रहा हूँ। आई होप कि ये ठीक रहेगा। अच्छा, एनीवे ठीक है, अजान हो रही है तो थोड़ी देर अजान के लिए हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, 2-4 मिनट, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा बच्चों, अजानें होगी आप सबके बच्चों के रीजन्स में। मैं बात शुरू करता हूँ यहीं से। तो हमने कहा कि प्रोडक्शन क्या है, तो हमने सबसे पहले ये बात की कि देखिए प्रोडक्शन जो है इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल एंड इमटेरियल इनपुट्स। कि देखिए बात यह है कि हम गाड़ी बनाते हैं तो हम लोहा भी इस्तेमाल करते हैं, स्टील भी इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, केबल्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग भी तो इन्वॉल्व है ना, वो तो मटेरियल नहीं, उनकी तो सर्विसेज है। लिहाजा इन सब को हम इकट्ठा करके कंबाइन करके एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इसके कंबाइंड हो जाने से आपकी जो है वो वर्थ बढ़ती है प्रोडक्ट की, यानी वैल्यू बढ़ती है प्रोडक्ट की, और आप उससे वैल्यू गेन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये आपकी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है। लेकिन मैंने जो आपको पहले समझाया कि देखिए हर मटेरियल में वर्थ जरूर होती है, वैल्यू होती है, लेकिन आप अगर उसकी शेप बदल देते हो, लकड़ी का फर्नीचर बनाते हो, मेटल से कोई चीज बना देते हो, तो उसकी वैल्यू इनहांस हो जाती है। लकड़ी का रोस्ट्रम बन गया, लकड़ी का डेस्क बन गया, उसकी टेबल बन गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। दिस इज ऑल वी कॉल प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी। या फिर ये सर्विसेज हैं, जैसे कि एक डॉक्टर है, आप जाते हैं, आप उससे एडवाइस लेते हैं, आप उससे डायग्नोस्टिक करवाते हैं, वो आपको आपकी डिजीज सजेस्ट करता है, मेडिसिन सजेस्ट करता है, तो ये भी एक प्रोडक्टिव अमल है जिसके अंदर उन्होंने एक कीमती जान बचाई है, जिसके अंदर उन्होंने एक कीमती जान बचा ली, तो ये भी प्रोडक्शन कहलाएगी। इसी तरह आप एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहां पर आप जो है इनरोल होते हैं, वहां पर आपको नॉलेज दिया जाता है जिसकी मदद से आप स्किल्स सीखते हैं, और वो स्किल्स जो है आप आगे जाके डिलीवर करेंगे, तो ये भी प्रोडक्शन है, इसके अंदर भी प्रोडक्शन हुई है, इंसान को नॉलेज दिया गया है, तो ये प्रोडक्शन के अमल। लेकिन हमारा जो बुकिश मटीरियल है वो सिंपली प्रोडक्शन को कैसे देखता है? हमारा जो बुकिश मटीरियल है वो इसको इस तरह देखता है कि एक इनपुट है, वो मटेरियल है, वो लेबर है, वो कैपिटल है, और वो एज एन इनपुट इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो इनपुट को टेक ओवर करके मैन्युफैक्चर करते हैं, और मैन्युफैक्चर करके एक प्रोडक्ट या सर्विस जो है एज एन आउटपुट डिलीवर करते हैं। आसान अल्फाज में लिखा है कि प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इन ऑर्डर टू ऐड वैल्यू, यानी प्रोडक्शन का जो अमल है वो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने का नाम है, जिसके अंदर हम इस एक्टिविटी के नतीजे में वैल्यू एडिशन करते हैं, और हम इसको प्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो हम इसको प्रोडक्शन का नाम देते हैं। अब यहां पे सबसे पहली बात तो ये कि आप स्टूडेंट्स को क्या ये समझ आई कि हम प्रोडक्शन किसको कहते हैं? जी बच्चों, एवरीबॉडी जी, तो हाफिज साहब शाहब कह रहे हैं कि ये क्लियर है, बाकी बच्चों को भी क्लियर है प्रोडक्शन तक, कि प्रोडक्शन में किसको कह रहा हूं? जी बिल्कुल ठीक है, हमजा भी कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो टर्म प्रोडक्शन की समझ आ गई है क्या है। अच्छा, तो मैं आपका जो है, अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला स्लाइड्स का, तो स्लाइड्स आज लाजमी अपडेट करूंगा, बल्कि लेक्चर फिनिश करके सबसे पहला काम ये करते हैं कि आपकी स्लाइड गूगल क्लासरूम में एड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझ आ गई कि प्रोडक्शन क्या है। लेकिन ये जो पूरा सेशन मैंने रखा था, इसके अंदर एक तो मैंने प्रोडक्शन के बारे में आपको बताना था, और इसके बाद हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करनी थी थोड़ी सी, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट रेफर है वो तमाम एक्टिविटीज जो प्रोड्यूस करती हैं, डिलीवर करती हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। इसके अंदर एक एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, एक पूरे का पूरा सीक्वेंस है, एक पूरे का पूरा वैल्यू चेन है, जिसके अंदर एक जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहां पर चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी चीज ये है कि किसी ना किसी ने मटेरियल परचेज किया है और उसको ला के रखा है कहीं, यानी उसको किसी स्टोर रूम में रखा है, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है,
और उसको अरेंज किया गया है। देखिए ऑपरेशन मैनेजमेंट में इस एक्टिविटी की बहुत अहमियत है, या प्रोडक्शन में इस एक्टिविटी की बहुत अहमियत है। रीजन देखिए, अगर आप किसी बड़ी फोर्स में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि एयर फोर्स है, तो सपोज कीजिए कि आपको एक फाइटर लाजमी उड़ाना है, उसकी स्ट्रेटेजिक नीड है आपकी नेशन को, और उसका एक छोटा सा रबड़ का बेल्ट मिसिंग हो गया, वो स्टोर रूम में नहीं है, तो आप उसको रिपेयर तो नहीं कर सकते, उड़ा तो नहीं सकते। लिहाजा इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी आपकी, इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर ऑफ द प्रोक्योरमेंट मैनेजर, आर यू कैन से परचेज मैनेजर, टू कीप अपडेट विद द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोडक्शन साइकिल एंड द नीड्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। इफ यू मिस एनी वन ऑफ दिट, obviously you will going to disturb your production cycle and similarly the operational activity of the organization will be disturbed. So therefore we make sure that the material is available in our warehouse, and if it is not there, there should be a planning system, there should be a process by which we ensure that anything must not go out of stock or go out of critical stock. To koi bhi cheez critical stock se niche na aaye taaki usko hum उस लेवल तक मेंटेन जरूर करें। तो ये एक रिक्वायरमेंट है आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आ जाती है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। जिस तरह बाकी हिकमत अमली बनती हैं, बिजनेस की प्लान बनता है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनती है, इसी तरह से एक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी भी बनती है, जिसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम कंपेटिटिवली चीजों को प्रोड्यूस करें, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करें, और हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हांस करें, इसके अंदर हम अपनी वर्कफोर्स का बेस्ट यूज करें, और हम सप्लायर एंड कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करें, ताकि हम पूरे के पूरे बिजनेस ऑपरेशन में सक्सेस हासिल कर सकें। अब होता यह है कि अगर हम सोचें कि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि वो हमारे लिए ऑर्डर जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, या प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गुड को प्रोड्यूस करते हैं, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह ये कि हमारे रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो एक्चुअल बात तो ये है कि कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे कम अहम नहीं होती। छोटी से छोटी जो एक्टिविटी है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, किसी एक एक्टिविटी को भी हम हटा दें तो हमारा काम नहीं चलता, लिहाजा तमाम एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये है जिसको हम कहते हैं कि हर एक्टिविटी जो है इम्पॉर्टेंट होती है। अब जहां तक आप जी हमदा, उसकी वजह ये है कि जो आपका सवाल है वो ये है कि ये लिंक्ड एक्टिविटीज हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे होते तो क्या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए मटेरियल कहाँ से लाओगे, और गाड़ी एकदम तो नहीं बन जाती ना। अगर आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इंजन बन गया, चेसी बन गई, सीट बन गई, अब क्या करोगे, उनको कहीं रखोगे ना, तो इन बिटवीन भी वेयर हाउस की जरूरत है। समझ गए ना आप बात। तो वेयर हाउस सिर्फ इसलिए नहीं कि रॉ मटेरियल ला के रखा जाए, वेयर हाउस जो है सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड को भी वहीं रखना होता है असेंबलिंग से पहले, तो उसके लिए भी वेयर हाउसेज होते हैं, तो उसको भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारी ही ऑपरेशन का हिस्सा, बिजनेस ऑपरेशन में सारी चीजें आ जाती हैं। अब जहां तक सवाल है हमारा कि 8 dimensions ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, अब यहां पे मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। प्रोडक्शन को मैंने एक्सप्रेस कर दिया, मैंने प्रोडक्शन ऑपरेशन को एक्सप्रेस कर दिया, और अब मैं जा रहा हूं क्वालिटी की तरफ। ये मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं मेंट्सबर्ग को वाइंड अप कर चुका हूं, उसके बाद मैंने आपके सामने प्रोडक्शन को क्लियर किया, अब मैं प्रोडक्ट क्वालिटी की तरफ जा रहा हूं कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या चीज है। देखिए प्रोडक्ट क्वालिटी की जब आप बात करते हैं तो यहां पर जो चीजें अहम होती हैं वो ये है कि प्रोडक्ट क्वालिटी में जो चीजें होती हैं, हम इनको सबसे पहले जिस चीज को लेते हैं उसके अंदर 8 dimensions इसकी हम पिक करते हैं, 8 इसकी डिफरेंट डायमेंशंस। इसके अंदर सबसे पहली डायमेंशन जो है वो है परफॉर्मेंस। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी चीज आप परचेज करते हैं,
जो सबसे अहम चीज इसके अंदर आ जाती है, करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो देखिए, अगर कार है तो कार के कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होंगे। मिसाल के तौर पे आप कोई कार खरीदते हैं तो आप चंद करेक्टरिस्टिक्स को पेशे नजर रखते हैं। ये 0 to 100 कितनी देर जाती है, इसकी स्पीड कितनी देर में 0 to 100 पर जाती है गाड़ी, इसका फ्यूल माइलेज कितना है, इसका इंजन कितनी टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, कितना कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकता है, ये इन अ सेंस ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाता है, जो उसके कार के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है कि ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, इसका प्राइमरी ऑपरेशन क्या है। तो देखिए, अगर मैं कार खरीदता हूं तो उसका प्राइमरी ऑपरेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। मान लिया कि आज गाड़ी में बहुत कुछ नया आ चुका है, गाड़ी के अंदर भी वाईफाई है, गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर भी है, गाड़ी के अंदर जो है वो म्यूजिक भी है, गाड़ी के अंदर और बड़ा कुछ आ चुका है, लेकिन जो मेन चीज है जिसके लिए गाड़ी खरीदी जाती है वो क्या है, पिक एंड ड्रॉप, जिसको आप उसकी कोर सर्विस कह सकते हैं, जिसको आप उसकी बुनियादी सर्विस कह सकते हैं या बेसिक वैल्यू कह सकते हैं। अच्छा, तो ये इस सेंस में देखा जाता है कि इसमें इसकी क्या परफॉर्मेंस है, स्पीड कितनी ले सकती है, ब्रेक कितने एक्यूरेट हैं, पावर कितनी प्रोड्यूस कर सकती है, फोर्स इसमें कितनी है। तो ये इसके हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, बिल्कुल इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स में भी देखे जाते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं फीचर्स। फीचर्स हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात इसमें क्या है। अब देखिए, कार में करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उसकी सीट कैसी है, उसमें एयर कंडीशनर है, टाइमर है, क्या ये इंटरनल एक्सटर्नल टेम्परेचर के बारे में बताती है, बवक्ते जरूरत फोर व्हील ड्राइव बन जाती है, पेट्रोल के अलावा बैटरी से भी चल जाती है, पेट्रोल के अलावा सीएनजी से भी चल जाती है। तो ये क्या है, ये इसके फीचर्स हैं। इंजन जो है वो किस जनरेशन का है, तो आप जानते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन इक्विपमेंट चेंज होता रहता है। तो परफॉर्मेंस का ताल्लुक मैंने स्पीड से जोड़ दिया, परफॉर्मेंस का ताल्लुक मैंने इंजन की पावर से जोड़ दिया, लेकिन फीचर क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इसके अंदर क्या क्या मजीद आपने करैक्टरिस्टिक्स दिए हैं, जो इसके कलर कैसा है, इसके ऊपर पेंट कैसा हुआ हुआ है, इसकी सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं, इसके अंदर जो है वो म्यूजिक है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे इसके करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। हाँ, उसामा बिन इमरान कहते हैं पानी से भी वाटर से भी चलती है। जी जी, बस गाड़ियां वाटर से मेरा हाल चलती हैं, जो मैंने कहीं पढ़ा है कि वो H2O को, दोनों को, हाइड्रोजन को अलहदा कर लेती है, ऑक्सीजन को अलहदा कर लेती है और उससे भी गाड़ी चल सकती है, लेकिन वो डिस्टिल वाटर आई थिंक यूज करते हैं। बहरहाल, एनीवे, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो एक तो परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस इसकी स्पीड कितनी है, पावर कितनी है, दूसरा इसके अंदर फीचर, इसकी सीट्स कैसी है, इसका डैशबोर्ड कैसा, इसकी जो है इसके अंदर एयर कंडीशनर है नहीं है, ठीक है जी, ऐसी भी गाड़ी मौजूद है जो अंदर बाहर के टेम्परेचर बताती है, बाकी सारे फीचर्स हैं, उसका डैशबोर्ड कैसा है, ये सारी चीजें। अब इसके अंदर एक बात आ जाती है, रिलायबिलिटी। अब परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में फर्क है। परफॉर्मेंस ये है कि मैं एक गाड़ी खरीदता हूं, वो 30 सेकंड में 0 to 100 स्पीड पे जाती है, 0 to 100 स्पीड पे, पावर बहुत अच्छी प्रोड्यूस करती है। अच्छा, फीचर उसमें बहुत अच्छे हैं, सीट्स अच्छी हैं, ड्राइविंग सिस्टम बड़ा अच्छा है उसका, बड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन रिलायबिलिटी का ताल्लुक किस चीज के साथ है कि कभी जिंदगी में इसने मुझे किसी रूट पे धोखा तो नहीं दिया, क्या मैं इस पे रिलाय कर सकता हूं कि मैं यहां से लेट सपोज जा रहा हूं, लेट से मैं इसको चाइना बॉर्डर जा रहा हूं, तो कैन आई से दिस कार विल नॉट फेल इन द वे, ये रास्ते में कभी फेल नहीं होगी। तो आप ये कहते हैं कि यार ये बड़ी रिलायबल है, ठीक है ना। जैसे मैं पॉपुलर तो नहीं बनाना चाह रहा,
कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ डायवो सर्विस से, तो मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि मुझे 4:30 घंटे बाद पिक कर लेना। तो कहता है यार एग्जैक्ट 4:30 में, हाँ यार एग्जैक्ट 4:30 बजे आ जाना आप लेने। क्यों, मैं डायवो से आ रहा हूँ एंड आई होप इट विल बी रिलायबल सर्विस, ये रास्ते में खराब नहीं होगी, ये गाड़ी को पहले जरा चेक चेक कर लेते हैं अच्छी तरह कि ये गाड़ी ठीक है कि नहीं है। तो ये होती है रिलायबिलिटी। अब परफॉर्मेंस जो है वो एक अलग चीज है कि मेरे मेरे पास एक कंप्यूटर था, उसमें एक सीडी रोम होता था, वो चला तो 3.5-4 साल जितनी देर मैंने वो कंप्यूटर यूज किया, लेकिन वो कमबख्त आए दिन उसके कोई ना कोई, जब मैं कोई सीडी चालता था वो कोई तकरीबन तीसरी चौथी सीडी होती थी जो इनकार कर देता था। तो कहने का मतलब लाइफ तो लंबी है लेकिन रिलायबल नहीं, पता नहीं रीड करे ना करे। तो ये रिलायबिलिटी आ जाए। अब एक आ जाता है कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस ये होता है कि अगर मुझे कोई कहे कि नई सीडी 70 जो है ये 1 लीटर में 80 किलोमीटर करती है, तो ये स्टैंडर्ड कह दिया ना, फिर कंपनी ने मुझे एक स्टैंडर्ड दे दिया। अब सवाल ये है कि मैं जब घर लेके आऊं तो वो 30 भी ना करे, तो मैं कहूंगा ये अपने स्टैंडर्ड से कन्फॉर्मेंस कोई नहीं, इसकी जो कहा जा रहा है वो ठीक नहीं है। इसी तरह जैसे कि अभी मैं चंद दिन पहले किसी दोस्त से पूछ रहा था, तो उसने मुझे बताया कि जो कल्टस कार है नई वाली, ये 1 लीटर में 18 किलोमीटर चलती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि उसने चला के देखी तो पता चला ना। तो हमने कहा हाँ यार अगर 18 कंपनी क्लेम कर रही है, मैंने चलाई है 18 है, तो इसका मतलब ये कन्फॉर्मेंस है कि जो उन्होंने कहा था वही चीज है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। तो इट इज कन्फॉर्मिंग द स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड को कन्फॉर्म करती है, स्टैंडर्ड के साथ ये मीट करती है, जो कहा जा रहा है वाकई वो चीज ये डिलीवर कर रहे हैं। तो कन्फॉर्मेंस भी बड़ी जरूरी होती है। जी बिल्कुल। तो हाँ इसमें अच्छा, ये जो हाफिज शाह भाई, बात ये है कि जो गारंटी है ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, वो भी क्वालिटी का हिस्सा होती है लेकिन गारंटी थोड़ी डिफरेंट चीज होती है। अच्छा, अब हम एक चीज कर लेते हैं इसके अंदर के जो आपका एक इशू है वो ये है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि इसकी लाइफ कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इट विल रन। जैसे वो लोग मर्सिडीज की गाड़ी खरीदते हैं, तो मैं किसी से पूछा यार इतनी महंगी गाड़ी क्यों खरीदते हो, टोयोटा भी है होंडा भी है। कहते सर आपको नहीं पता, वह एक मर्सिडीज खरीदने का मतलब है पूरी लाइफ के लिए एक व्हीकल है आपका, आप सिर्फ इसका ऑयल चेंज करते रहे इंजन का और इसको फिल्टर टाइम पर डालते रहे, आप पेट्रोल डालते रहे, ये सारी उम्र चलती रहती है, इसको कुछ नहीं होता, ये इतनी ड्यूरेबल है यानी लाइफ लॉन्ग है। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ आपके पास आपके दादा की मर्सिडीज भी खड़ी है, अब्बा जी की भी है, आपकी अपनी भी है, तो ये जो दादाजी की है कितने साल हो गए। कहते जी ये तकरीबन 25 साल पुरानी है और 25 साल से इसके अंदर एक से दो बार हमने अपनी गलती से कोई गड़बड़ की हो तो इंजन मैकेनिक के पास गए हैं, वरना हम नहीं जाते। तो ये चीज आ जाती कि हाउ ड्यूरेबल, कितनी इसकी लाइफ है। ठीक है जी, प्रोडक्ट को कितनी देर बाद रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसी तरह एक दफा एक आर्टिकल पढ़ रहा था डेट वॉज रिलेटेड विद द डिफेंस, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट से हैं वो रशियन फाइटर से 3 गुना ज्यादा फ्लाई करने के बाद रिपेयर होते हैं, और जो रशियन है वो उससे 1/3 टाइम जब चलते हैं तो उनको रिपेयर की जरूरत पड़ती है। ये मैंने उसमें पढ़ा था, आई डोंट नो इज अ फैक्ट आर नॉट, क्योंकि मेयार बदलते रहते चीजों के। तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि ड्यूरेबिलिटी, लाइफ उसकी कितनी है। ठीक है जी, तो लाइफ का मैटर करता है कि हाउ लॉन्ग इट विल वर्क। अच्छा, तो उसामा बिन इमरान कह रहे हैं कन्फॉर्मेंस दोबारा बता दें। कन्फॉर्मेंस का मतलब ये है कि ब्रोशर या मैनुअल या एडवर्टीजमेंट में हमने एक क्लेम किया उसके मेयार का, और वो गाड़ी है, लाइट है, टीवी है, वो उस मेयार पे पूरा उतर रहा है, तो हम कह रहे हैं इन इसमें कन्फॉर्मेंस है, यानी जो कहा गया है ये वही चीज है, उतने इसके स्टैंडर्ड है, ये बात। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं तो बात आ जाती है इस चीज के ऊपर के जो आपका है सर्विसेबिलिटी। देखिए सर्विसेबिलिटी ये होती है कि कोई चीज ऐसी है जिसको आप जो है बाद हजार रिपेयर भी कर सकते हैं, सर्विसेबल है। अब देखिए दुनिया में अब बहुत सारी वॉचेस ऐसी हैं जो
ज्यादा ज्यादा खराब ये है कि उनका सेल खराब हो जाता है, आप सेल चेंज कर लीजिए। सेल चेंज करने पे वो चलेंगी, अच्छा उसके बाद अगर वो खराब हो तो उनको फेंक दें बस। उनके अंदर ना तो वो खुलती हैं, ना उन्हें ओपन करने का कोई तरीका, बस उसमें सर्विसबिलिटी नहीं है। वो जो है वो खराब हो गई तो गार्बेज हो गई। सर्विसबिलिटी का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा हो कि जब वक्त आए को खराबी पैदा हो जाए कोई वक्त आ जाए कोई वक्त आ जाए कोई खराबी पैदा हो जाए तो उस वक्त हम उसको रिपेयर कर सकें, हम उसको मेंटेन कर सकें। इसके अंदर ये चीज है कि उसका डिजाइन ऐसा हो कि हम जब चाहें उसको उसकी मरम्मत करवा सकें। तो मरम्मत तभी हो सकती है, जैसे एक कंप्यूटर है, मैं किसी के पास लेके गया तो उसने कहा जी कि मैं मैनुअल देख के इसको खोलता हूँ और इसकी मैनुअल खोल के जो है मैं इसको रिपेयर कर दूंगा। उसने मैनुअल खोली और उसका डिजाइन को चेक किया तो उससे अंदाजा किया कि मैं इसको किस तरह से रिपेयर कर सकता हूँ, तो उसने उसको रिपेयर कर दिया। लेकिन अगर फर्ज कीजिए एक गाड़ी है, उस गाड़ी का डिजाइन कुछ इस तरह का बना हुआ है कि उसके अंदर आपके पास वो फीचर ही नहीं है कि आप उसका जो है कोई पुर्जा खोल सकते हैं, कंपोनेंट खोल के रख सकते हैं, आप उस कंपोनेंट खोलने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर कंपोनेंट खोलने की आपको ऑप्शन ही नहीं है, उसके स्पेयर पार्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो वो रिपेयर कैसे होगी? तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई महंगा महंगी चीज खरीदते हैं जो लाइफ लॉन्ग यूज में आनी होती है। तो सबसे पहला सवाल जो होता है कंज्यूमर का वो ये होता है कि क्या ये रिपेयर हो सकती है, क्या इसके पुर्जे मिल जाएंगे बाद में। तो जो सर्विसबिलिटी है वो डिपेंड करती है चार चीजों पे। पहली बात, क्या इसका डिजाइन ऐसा है कि खोल के पुर्जा बदल लें? दूसरी बात, क्या इसके डिजाइन को प्रिंट करके टेक्नीशियन तक पहुंचाया गया है? और तीसरी बात, क्या इसका टेक्नीशियन मौजूद है? और चौथी बात यह है कि क्या इसके पुर्जे दस्तयाब हैं या नहीं है? तो एक क्वालिटी का हिस्सा है। तो ये चारों बातें हैं कि इसका टेक्नीशियन दस्तयाब है, इसकी मैनुअल दस्तयाब है, इसका पुर्जा दस्तयाब है जिससे इसने ठीक होना है, तो फिर हम कहेंगे सर्विसेबल है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें दो कंपनीज तकरीबन एक ही टाइम में पाकिस्तानी मार्केट में आई, एक टोयोटा और एक माजडा। जो टोयोटा है वो प्रिवेल कर गई पाकिस्तानी मार्केट में अभी तक, और अपना मुकाम बनाती गई बनाती गई, आज उसकी फुटिंग बड़ी स्ट्रांग है हमारी मार्केट में। लेकिन माजडा थोड़े अरसे बाद ही गायब हो गई, उसकी सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी गायब हो गए। तो हुआ ये कि जब उन्होंने इनिशियली गाड़ियां यहाँ भेजी तो कंपोनेंट तो जाहिर है चाहिए थे रिपेयर के लिए, तो जो मेन शॉक्स थे इस तरह की चीजें खराब हुई गाड़ियों की, तो मजदा ने आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने जब अपने मैन्युफैक्चरर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम सेंड कर देंगे, इतने दिनों में पहुंचेंगे। तो पहुंचने में थोड़ा डिले हो गया और उनको कंपोनेंट नहीं मिले, तो मजदा मार्केट से आउट हो गया। टोयोटा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने जब रब्ता किया तो कंपनी ने कहा कि फौरी तौर पे जो शोरूम में गाड़ियां खड़ी इनके कंपोनेंट खोलें और खोल के उनमें डाल दें जिस जिसको इसके रिपेयर की जरूरत है, शॉक्स भी निकाल लें और अगर जरूरत पड़े इंजन खोल दें, कोई मसला नहीं। लेकिन बहरहाल इंजन तो इतनी जल्दी खराब होता नहीं, लेकिन जो एक्सटीरियर कंपोनेंट थे वो फौरी तौर पर उन्होंने अपनी नई गाड़ियों के खोल के दे दिए अपने प्रीवियस कस्टमर्स को। नतीजा ये हुआ कि एक वर्ड ऑफ माउथ बन गया कि इसके पुर्जे मिल जाते हैं, और दूसरी गाड़ी के पुर्जों पे एक क्वेश्चन रेज हो गया कि इसके पुर्जे नहीं मिलते। तो नतीजा ये हुआ कि वो मार्केट से आउट हो गए और ये मार्केट में प्रिवेल कर गए। इसलिए सर्विसबिलिटी अपनी जगह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, उसके बगैर प्रोडक्ट की क्वालिटी का सोचना भी जो है वो नामुमकिन, बल्कि सोचना चाहिए ही नहीं। इसके बाद आ जाते हैं आप जो है एक चीज आ जाती है एस्थेटिक्स। देखिए एस्थेटिक्स का जो मामला है वो ये है कि अपेयरेंस ऑफ द गुड, इट इज सम काइंड ऑफ यू कैन से डायमेंशन इंडिकेटेड अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यूजर हैज टू प्रोडक्ट, इट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंस। लेकिन मैं इसको इस सेंस में देखता हूं कि देखिए एस्थेटिक्स कुछ इस तरह की चीजें होती कि शक्ल कैसी बनाई है आपने, क्या वो अपीलिंग है कंज्यूमर के लिए कि नहीं। बाज़ का प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि कंज्यूमर को अपील नहीं करता। मिसाल के तौर पे गाड़ी है, उसका एक्सटीरियर कैसा है,
उसका इंटीरियर कैसा है, उसका डैशबोर्ड कैसा है, उसमें अंदर बैठ के देखते हैं तो आपको बाहर का अपीयरेंस कैसा फील होता है, ये है आज के एस्थेटिक्स। गाड़ी के कलर्स कैसे हैं, अच्छा ये एस्थेटिक डिफरेंट है। अगर आप देखें तो जो आपकी गाड़ियां हैं उन कंट्रीज की, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली जहां बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, शॉकिंग ऑरेंज कलर की गाड़ी, शॉकिंग ग्रीन कलर की गाड़ी, शॉकिंग पिंक कलर की गाड़ी। तो जरा सोचिए, चारों तरफ बर्फबारी पड़ी हुई है और उसमें शॉकिंग ऑरेंज कलर की गाड़ी आ रही, कितनी खूबसूरत लगेगी। या पिंचिंग ग्रीन कलर की गाड़ी दूर से नजर आएगी। लेकिन हमारा मौसम गर्म है ज्यादा, यहां पर हम बहुत डार्क कलर पसंद नहीं करते गाड़ी का, वाइट ग्रे स्मोक ये हमारे आइडियल कलर्स होते हैं। उसकी रीजन, धूप तेज होती है। अच्छा, अगर धूप भी तेज हो ऊपर से कलर भी बड़ा शॉकिंग हो तो जरा गौर कीजिए, शॉकिंग कलर और ऊपर से धूप, तो उसके एस्थेटिक्स क्या होंगे। तो एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं। इन बाज इंसानों में एस्थेटिक सेंस बड़ी अच्छी होती है, वो मौसम के मुताबिक क्लोन या परफ्यूम लगाते हैं, वो मौसम के मुताबिक कलर चूज करते हैं। मिसाल के तौर पे जो अच्छी एस्थेटिक्स से लोग हैं वो जानते हैं कि हमने मई जून जुलाई अगस्त तक गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने, बहुत ज्यादा रेड, बहुत ज्यादा ऑरेंज, बहुत ज्यादा ग्रीन, डार्क कलर नहीं पहनना, चूंकि धूप के दिन है। इन दिनों अगर हम डार्क कलर पहनेंगे गर्मी भी ज्यादा लगेगी, इन दिनों हम लाइट कलर पहनेंगे, और जब सर्दियां आएंगी तब हम वो कलर निकालेंगे जो जरा गहरे रंग है, जैसे ब्लू, डार्क ब्लू है, डार्क ग्रीन है। तो इंसान में भी एस्थेटिक सेंस होती है। देखिए ना, बाज लोग जो है वो जैसे भी फिजिकल बिल्ड है, उनका फिजिक जैसा भी है, वो टाई का कलर ऐसा चूज करते हैं कि आई कैचिंग हो जाते हैं। तो ये चीजें प्रोडक्ट में भी है कि मेरा वैक्यूम क्लीनर है बड़ा अच्छा है, लेकिन इस तरह की उसकी शेप है, ना बेड के नीचे आता है ना सीढ़ियों के नीचे आ रहा है, तो मैं कहूंगा भाई वैक्यूम क्लीनर बड़ा अच्छा है लेकिन मैं इसको खरीद नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि ये तो मेरे, मुझे इसके लिए अलग रूम तो बना नहीं सकता मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एस्थेटिक्स का भी ख्याल रखें। और आजकल तो मुझे लगता है कि गाड़ी हो, टेलीविजन हो या वैक्यूम क्लीनर हो, मुझे तो ये लगता है कि 50% से भी ऊपर लोग उसकी एस्थेटिक्स पे मरते हैं कि इसकी लुक कैसी है। बाकी बातें उसकी बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी लुक कैसी है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट यू कैन से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सादिया हबीब कह रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्थेटिक्स पे बहुत ज्यादा वर्क करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल करती है, क्योंकि उनका तो शोभा ही फैशन, आर्ट, डिजाइनिंग, वो तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा जाते हैं। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि अब जो कार मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर स्पेशल जो है डिजाइनर्स, ऐसे लोग जो फाइन आर्ट्स की फील्ड में बहुत आगे होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। पहले किसी जमाने में गाड़ियां डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स होते थे, उनके साथ अकाउंटेंट्स होते थे जो कॉस्ट को देखते थे कि ज्यादा कॉस्ट ना हो, और इंजीनियर उसकी डिजाइनिंग करते थे। आमतौर पे तीन चार तरह के इंजीनियर होते थे, जैसे जो बॉडी बनाते थे वो एरोडायनेमिक इंजीनियर होते थे, जो इंजन बनाते हैं वो मैकेनिकल, आज भी यही है, और जो उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते थे। लेकिन अब साथ एस्थेटिक एक्सपर्ट्स भी होते हैं, इसलिए कि अब ज्यादा लुक मैटर करती है कि जी हमारी गाड़ी की लुक एलीक होनी चाहिए, हमारी गाड़ी की लुक जो है बड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, तो ये चीज भी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो ये है कि देखें, जी मोहम्मद उसामा बिन इमरान का एक एड इन वैल्यू है कि कंपनी जो है एस्थेटिक्स ज्यादा जो देखती है वो अपने थॉट से नहीं, कस्टमर के व्यू पॉइंट से देखती है। बिल्कुल, असल बात ये है कि देखिए, एक चीज होती है फीचर्स, तो मार्केटिंग की बुक में लिखा है और फिलिप कॉटलर ही लिखता है, फिलिप कॉटलर ये लिखता है कि वो फीचर्स जो हम समझते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्चुअली करेक्टरिस्टिक्स वो इंपॉर्टेंट है जिसकी वैल्यू कस्टमर करता है। यानी अगर कस्टमर कहे ना कि हाँ जी मुझे ये चीज चाहिए, तो फिर हम कहेंगे हाँ यार वाकई ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो करेक्टरिस्टिक्स वो क्वालिटी वो जिसकी कस्टमर रिस्पेक्ट करे।
वरना अदरवाइज मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, आपकी बात को मैं जो है वो इंडोर्स करता हूँ, वो ये है कि जो आपने देखा, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, वो असल में आज मेरा रेडियो माइक है और बेगम ने ब्लेंडर चला दिया, मैंने जाके उसको मना किया, मैं कह यार क्या कर रही। अच्छा, सो एनीवे, तो हम बात ये कर रहे थे कि हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो CD70 बाइक है ना, ये डिजाइन हुई है 1960 में। आप बड़े हैरान होंगे, 1960 में ये डिजाइन हुई है, और इनिशियली डिजाइनर इतना मोटिवेट नहीं हुआ चूंकि उसकी बाइक बिकी नहीं, कस्टमर ने इस बात की वर्थ ही नहीं जानी। लेकिन भाई जब सन 1990 के बाद पेट्रोल हुआ महंगा, तो वही मोटरसाइकिल जो है आज 2020 में पॉपुलर बाइक है, वो उसका बेसिक डिजाइन तो क्या, उसको कॉपी करके जो चाइनीज बाइक है वो भी बिक रही है और धड़ाधड़ बिक रही। तो ये बात होती कि पहले कस्टमर, पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, कस्टमर वर्थ ही नहीं जानता यार, ये क्या छोटी सी बाइक बना दी है। और अब जब पेट्रोल महंगा हुआ 90s में आके और उसके ऑनवर्ड, तो पिछले 30 सालों में सबसे पॉपुलर डिजाइन पाकिस्तान, इंडिया, बहुत बांग्लादेश, श्रीलंका, चारों मुल्कों में एक ही डिजाइन पॉपुलर है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स वो जिसकी कदर कस्टमर करे, हम अपने तौर पे नहीं इसे कह सकते। आगे चल के मैं आपको ना इसको एक नए एंगल से समझाऊंगा जब मैं बात करूंगा कि एक मार्केट ओरिएंटेशन है और एक प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है, ये दोनों को आगे चल के मार्केटिंग के सेक्शन में और तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, परसीव्ड क्वालिटी, ये एक सवाल ये है, एक क्वालिटी है कि परसीव्ड क्वालिटी। देखिए, जो क्वालिटी आप दे रहे हैं, बात ये है कि रियलाइज्ड क्वालिटी क्या है, कि कस्टमर क्या परसीव करता है। तो मैं आप दोस्तों से ये कहूंगा कि आमतौर पे मैंने अक्सर सुना है हमारे पूरे पाकिस्तान में कि अगर आप देखें कि बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेजर के लोग जो है वो क्या परसीव कर देंगे क्वालिटी होती है, तो मेहरान एक गाड़ी है, तो मोस्टली लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये गाड़ी के बड़े उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, सेफ्टी फीचर नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। अच्छा, मैंने एक मेहरान खरीदी 2005 में, तो 2005 में खरीदी, वो अभी भी मेरे पास है। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी आउट ऑफ सिटी गिफ्ट जाता था, जीसी फैसलाबाद जाता था, तो मैं उसको ले जाता था रोड पे, तो नतीजा ये कि वो तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है अपने उसी इंजन के साथ जिसके साथ वो आई थी, और येट अभी तक वर्किंग है। तो मुझे सारे पूछते हैं यार ये तुमने कैसे किया, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, बस आप चीज़ को उसके मैनुअल के तरीके के मुताबिक चलाओ, उसकी स्पीड उसके मुताबिक रखो, तो चीज़ चलती रहती है। तो मेरे नज़दीक उसकी जो कस्टमर रियलाइज्ड क्वालिटी है परसीव्ड, आप रियलाइज इसको करता है कि हाँ यार ये चीज़ क्वालिटी है, तो मेरे नज़दीक वो बेस्ट कार है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो बेशक उसको ना जाने के वो नहीं है, बट इट्स डिपेंड। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो है वो है परफॉर्मेंस, कि अगर गाड़ी है तो कितनी जल्दी स्पीड पिक करती है, कितनी जल्दी अपने मोशन में आती है, स्टार्टिंग कितना अच्छा है, ये परफॉर्मेंस है। फीचर की बात आती है तो इसमें एडिशनल क्या है, ऑडियो है, स्टीरियो है, ठीक है जी, ओलाय रिम है, सीट्स हैं, कम बकेट सीट्स हैं, तो ये उसके फीचर्स हैं, इस एयर कंडीशनर कितना अच्छा है, कैसा है, तो आप जितना चाहें उसमें फिर ऐड कर लें। बुनियादी तौर पे पहली गाड़ी तो सिर्फ पिक दुनिया में बनी हो तो पिक एंड ड्रॉप ही करती थी ना, लेकिन फीचर ऐड होते 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 आज की 7th जनरेशन कार बन गई। रिलायबिलिटी क्या है कि ये कहीं हमें रास्ते में धोखा तो नहीं देती। कन्फॉर्मेंस ये है कि अगर आप कहें कि जो स्टैंडर्ड या जो वादा किया था कंपनी ने ये उसको निभाती है, पूरा करती है कि नहीं करती। ड्यूरेबिलिटी ये है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है या नहीं है। और जो आपका है यू सी सर्विसबिलिटी, क्या ये रिपेयरेबल है, हम इसको सर्विस इसकी मिल जाती है, स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। और एस्थेटिक ये है कि इसकी लुक कैसी है, ये देखने में कितनी खूबसूरत है, कितनी
जो है वो शानदार है, और परसीव्ड क्वालिटी ये है कि क्या कस्टमर मानता है इनडायरेक्टली कि ये वाकई एक बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये होगी हमारे क्वालिटी के 8 डायमेंशंस। अच्छा, अब अगर आज के लेक्चर को सम अप कर लें थोड़ा सा, तो सम अप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि मिंट्सबर्ग के जो 5 कंपोनेंट हैं, डिफरेंट फर्म्स में डिफरेंट कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं तो टेक्नोस्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप में देखते हैं तो स्ट्रेटेजिक एपेक्स इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हैं तो ऑपरेशनल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर एडहॉक्रेसी में देखते हैं तो वहां पे बेसिकली सर्विसेबिलिटी या शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे जो है आपकी मिडल लाइन मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़े तो हमने प्रोडक्ट पे बात की और हमने कहा कि प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन हमने कहा इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, इट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म ऑन द मटेरियल एंड इमटेरियल गुड्स व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। उसके बाद मैंने क्वालिटी के 8 फीचर्स पे बात की। तो सबसे पहली बात ये कि क्या यहां तक ये सारी बात क्लियर है हमें? जी शाबाश। परसीव्ड क्वालिटी सिद्रा ये है कि हम जहनी तौर पे क्या समझते हैं कि क्वालिटी के फीचर इसमें कैसे हैं। तो एक रियल होती है और एक परसीव्ड होती है, ठीक है ना, आप यूं समझ लीजिए एक रियल बेस इंसान की का करैक्टर है, उस प्रोडक्ट का करैक्टर है, और एक वो है जो जहनी सतह पे हम सोचते हैं, ये दो अलग अलग चीजें। किसी चीज को एडमिट करते हैं हम के नहीं करते। तो यहां तक उसामा का जवाब यस में आया है, और उसके बाद हमजा का और हसान का जवाब यस में आया है, ठीक हो गया। अब यहां पे मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है हमारा कंपेटिटिव रिसोर्स बेस्ड कंपेटिटिव एनालिसिस। तो रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज पे बात करूंगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो टॉपिक की, यानी आप समझिए कि हम ऐसा ऐसा इस सब्जेक्ट की डेप्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, थ्योरी से आगे निकले डेप्थ में जाना शुरू हो गए। तो यहाँ पे इस टाइम अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है किसी भी फर्म की, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है किसी भी फर्म की, उसको अगर आप देखते हैं तो हम कहते हैं कि कंपेटिटिव बेस हमें सबसे पहले तो ये होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं। देखिए कंपटीशन में रिसोर्सेज की बड़ी अहमियत होती है। यहां बड़े बड़े सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि आपके पास टेंजिबल रिसोर्सेज कैसे हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास लेबर कैसी है, मशीन कैसी है, इक्विपमेंट कैसा है, फंडिंग या फाइनेंस कैसा है, ये आपके टेंजिबल रिसोर्सेज हैं। दूसरी चीज है आपके इनटेंजिबल रिसोर्सेज। इनटेंजिबल रिसोर्सेज वहां जो फिजिकली नहीं है लेकिन है बड़े अहम, मिसाल के तौर पे आपका ब्रांड नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी मार्केट में रिप्यूट बड़ी आला है, आपके पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, ये है आपके इनटेंजिबल रिसोर्सेज जो फिजिकली नजर नहीं आते लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट। अब जो आपका ब्रांड नेम का कॉन्सेप्ट है, या आप कहते हैं कि जी ब्रांड या आपके कॉपीराइट्स, हाँ देखिए इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मसला हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं ओपनली, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि हम कहते हैं कि रिसोर्सेज दो तरह के, एक रिसोर्सेज वो हैं जो इनटेंजिबल हैं और एक रिसोर्सेज ऐसे हैं जो टेंजिबल हैं।
जो इनटेंजिबल रिसोर्सेज और फिजिकली तो नहीं नजर आते, जैसे मिसाल के तौर पे जो आपका नॉलेज है वो आपके ब्रेन में है, इसी तरह कंपनी का जो नॉलेज है जो उन्होंने लर्न किया है वो बाहर नजर नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन उनके पास अच्छी है, ब्रांड और रिप्यूट बड़ी अच्छी है। मिसाल के तौर पे अच्छा ब्रांड नेम कैसे बनता है वो तो आप सब बच्चे जानते हैं कि मुसलसल एक क्वालिटी आप देते रहे, एक वक्त आएगा कि आपका ब्रांड नेम बन जाएगा। मिसाल के तौर पे 1972 में टोयोटा मेक अ सक्सेसफुल कार इन द वर्ल्ड, इन अगेन इन 1986 दे गिवन अ वेरी पॉपुलर मॉडल, अगेन गिवन 1990 अ सक्सेसफुल मॉडल, कंसेक्यूटिवली 7 मॉडल सक्सेसफुल नए डिजाइन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ दिए, ब्रांड टॉप पे आ गया। इसी तरह आप भी मुसलसल एक ब्रांड बना सकते हैं और फिर लोग उस नाम की गाड़ी को आंखें बंद करके खरीद लेते हैं। तो ये उसका क्या है, ब्रांड और रिप्यूट है। तो ये इनटेंजिबल रिसोर्सेज है, टेंजिबल मशीन है, इंसान है, फाइनेंस है। अब आ जाते हैं आप इस तरफ कि दूसरी चीज है जिसके अंदर आप एक और एनालिसिस करते हैं, ह्यूमन फिजिकल फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं। इसके बाद हमें कॉम्पिटेंसीज की बात करता हूं। देखिए रिसोर्सेस हर एक के पास होते हैं और जितनी कंपनीज मार्केट में होती हैं, किसी एक इंडस्ट्री में होती हैं, जाहिर है वो रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेती हैं और उसकी बेस पे वो आगे काम करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल कौन करेगा? जो बेस्ट इस्तेमाल करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मर्सिडीज भी मेटल से ही बनती है, ठीक है जी, BMW भी मेटल से बनती है, वॉक्सवैगन भी मेटल से बनती है, क्या ख्याल है, सुजुकी भी मेटल से बनती है। सवाल ये है कि कौन अच्छे तरीके से इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है? इस्तेमाल वो करेगा जिसके पास कॉम्पिटेंसीज होंगी, प्रोसेस अच्छा होगा, प्रोसीजर अच्छा होगा, मेथड अच्छा होगा, वो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस अच्छा चाहिए, डिजाइन अच्छा चाहिए, सिस्टम अच्छा चाहिए, फिर हम कंपटीशन में आ सकते। जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि चीज ये है कि रिसोर्सेज एंटिटीज हैं, कि ये जो कॉम्पिटेंसीज आर एक्टिविटीज प्रोसेस इन विच एंटिटी यूजेस इट्स रिसोर्सेज, ये वो कॉम्पिटेंसीज हैं, ये वो अमल है जिसके तहत हम इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं और क्रिएट करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, इनको इफेक्टिवली इस्तेमाल करके वैल्यू डिलीवर करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज बेस्ड कंपेटिटिव एनालिसिस, जिसको हम आगे लेके चलेंगे। आज सिर्फ मैंने इसके अंदर सिर्फ दो काम किए, एक मैंने ये बताया कि रिसोर्सेज क्या है, दूसरा मैंने बताया कि कॉम्पिटेंसीज क्या है। रिसोर्सेज है मशीन, इक्विपमेंट, वसाइल, फाइनेंस, ब्रांड नेम। कॉम्पिटेंसीज है वो अमल, वो प्रोसेस जिससे हमने इसको कन्वर्ट करना है एक बेस्ट प्रोडक्ट में, बेस्ट सर्विस में। सो दिस इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन। अच्छा अब देखते हैं कि जी कोमल,
जी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए मैंने सिंपल बात बताई है कि रिसोर्सेज मशीन है, इक्विपमेंट है, फाइनेंस है, और कॉम्पिटेंसीज वो अमल है जिसके तहत हम इनको इस्तेमाल करेंगे, यानी मेटल को इस्तेमाल करके गाड़ी बनाएंगे। अगर वो प्रोसेस, अगर वो निज़ाम अच्छा होगा तो हमारा, हम कहेंगे ये हमारी कॉम्पिटेंस है कि हम इसका बेस्ट यूज करते हैं। जैसे आपके पास भी बुक्स हैं, बाकी बच्चों के पास भी बुक्स हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट स्टूडेंट कौन है जो इस बुक्स का बेस्ट इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल इसी तरह अच्छी कंपनी होगी जो बेस्ट यूज करेगी अपनी लेबर का, अपनी मशीन का, अपने इक्विपमेंट का, अपने ब्रांड नेम का, और उसकी मदद से बेस्ट वैल्यू डिलीवर करेंगे, उसको हम कहेंगे ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये कॉम्पिटेंट लोग हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का मेरे पास सवाल कुछ इस तरह का था कि आई थिंक कोमल इज क्लियर। जी कोमल क्लियर है अब? सिद्रा बेटी आपने पूछा सर इनटेंजिबल रिसोर्सेज आर लेबर मींस, नहीं आप गौर से देखो मेरी स्लाइड पे लेबर कहाँ लिखी हुई है, इनटेंजिबल में लिखी कि टेंजिबल में लिखी है? देखो मैंने तो उसको इनटेंजिबल में लिखा ही नहीं, इनटेंजिबल में नॉलेज, इंफॉर्मेशन और ब्रांड नेम लिखा है। ठीक हो गया, ठीक है, गुड हो गया। जी सिद्रा बेटी जवाब नहीं आया, तो मैंने उसे टेंजिबल में लिखा है, लेबर टेंजिबल में आती है, इनटेंजिबल में आता है आपका ब्रांड नेम, आपका इमेज, आपके कॉपीराइट्स, ये इसमें आते हैं। ठीक हो गया, तो आज हम इसको यहां पे वाइंड अप कर देते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, रिसोर्स बेस्ड कंपेटिटिव एनालिसिस इंशाल्लाह। तो यहां पे आप आज के लेक्चर के बारे में फीडबैक दे दीजिए, कितना समझ आया आपको। अभी मैं इसकी स्लाइड्स भी अपडेट कर देता हूं और आपके गूगल क्लासरूम पे ही रख देते हैं। तो इट्स गुड अकॉर्डिंग टू सिद्रा, ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू हसान, एंड यू सी गुलाम अब्बास इट्स क्लियर, उसामा सेड इज वेरी परफेक्ट। सो स्लाइड्स मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी आपको, आप गूगल क्लासरूम पे से डाउनलोड करेंगे। ऑल क्लियर अकॉर्डिंग टू खान, एंड बिलावल सेड इज गुड। ठीक है, तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप लिख दीजिए, मैं देख रहा हूँ सवाल क्या है आपका, प्लीज कंपोज कीजिए, मुझे सेंड कर दीजिए। जी एक्सीलेंट अकॉर्डिंग टू बिलावल भट्टो, मुदस्सिर मकसूद सेड सेंड द स्माइल फेस, उसामा बिन इमरान आपकी बात समझ नहीं आई मुझे, वट इज मीन बाय पोलिटिकल, आई डोंट नो पोलिटिकल का मतलब क्या है। गुलाम अब्बास बेटा आपने खुद गूगल क्लासरूम में एड होना है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ आपने कैसे एड होना है, ठीक है, लेट मी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होना है आपने। मैं स्लाइड हटाने लगा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको। देखिए आप किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके आप लिखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके, जैसे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है मेरा, आप इसके ऊपर लिखेंगे गूगल क्लासरूम, तो ये आपको गूगल क्लासरूम में ले जाएगा। जैसे ये मेरा गूगल क्लासरूम है, यहां पे आप प्लस साइन दबाएंगे ये वाला, तो ये आपस दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट ज्वाइन, क्रिएट आप नहीं करेंगे चूंकि आप टीचर नहीं है, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो ये आपसे क्लास कोड मांगेगा, यहां पे आप क्लास कोड लिखेंगे तो आप फौरी तौर पे उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पे आपकी स्लाइड्स पड़ी हुई। अब सवाल ये है कि आपका क्लास कोड क्या है,
तो क्लास कोड जो है मैं आपको भी बताता हूँ, ये इंटरप्राइज मैनेजमेंट की आपकी क्लास है, ये इसका क्लास कोड है PAXBN57। ये आप वहां पुट कर देंगे तो आप गूगल क्लासरूम में पहुंच जाएंगे। जी गुलाम अब्बास, आपको गूगल क्लासरूम में ऐड होना आ गया। और वहां से आप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि मेरा जो है वो क्लास कोड क्या है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।